भाई चार जोन में बांटा है इसको क्रियान्वित करने के लिए, और चारों जोन के अंदर एक इंप्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेंसी जिसको आईएसए कहते हैं उसका चयन भी कर लिया है, और जो लाभार्थियों की जो सूची है उसको भी हम लोगों ने पूरी इसकी डाटा एंट्री कर चुके हैं और केंद्र भी भेज चुके हैं। आज आपको एक नमूना ये आपने देखा होगा, एक लाभार्थी को हमने दिया है, इसको गोल्डन कार्ड कहते हैं। इसके अंदर अभी लैमिनेशन के साथ इसके अंदर प्रधानमंत्री जी और योगी जी की फोटो भी आएगी, तो वो पूरा हो जाएगा। तो ये गोल्डन कार्ड हम लोग सभी लाभार्थियों को देंगे, और इसके अंदर आज कैबिनेट में हमने निर्णय भी किया है कि ये सब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से, जिला अधिकारियों के माध्यम से और जो जनप्रतिनिधि है उनके माध्यम से हम लोग हर लाभार्थी को ये कार्ड पहुंचाएंगे। इसको मोदी केयर भी कहते हैं, आयुष्मान भारत जो कहा जाता है, मगर देश भर में मोदी केयर कहा जा रहा है, क्योंकि 70 साल में किसी ने सोचा नहीं कि जो वंचित समाज से भारत के आता है, जो दलित समाज से आता है, जो पिछड़े समाज से आता है, उनके पास कोई परिवार में कोई बीमार हो जाए तो उनके पास पैसे नहीं होते, उन लोगों की ऐसी हालत हो जाती है कि घर में जो बचा हुआ कभी पैसा रहा हो तो बच्चों की पढ़ाई में नहीं जाता, इसके लिए काम में आता है, क्योंकि स्वास्थ्य एक ऐसी चीज है कि उसमें सभी लोगों को फिर जूझना पड़ता है। तो ये योजना प्रधानमंत्री जी लेकर आए हैं, मोदी जी लेकर आए हैं कि 5 लाख जो रुपए की स्वास्थ्य बीमा योजना है, उत्तर प्रदेश के अंदर 1,18,00,000 परिवार, लगभग 6 करोड़ लोगों को ये दी जा रही है, और इसके माध्यम से उन लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि घर पे पहले तो कोई बीमार ना हो, मगर होता है तो उनके लिए खर्चा कहाँ से आएगा। और 1,350 ऐसी गंभीर बीमारियां जो कवर्ड होती हैं, साथ ही साथ आपके इलाज के साथ जो दवाइयां जो पोस्ट केयर कहा जाता है उसमें भी बहुत खर्चा पड़ता है, वो भी इसके अंदर कवर्ड हो जाएगा। तो बहुत बड़ा एक बहुत बड़ी योजना है, और इसलिए मोदी केयर के नाम से प्रचलित भी है, और एक गरीब परिवार से जो व्यक्ति है वो अब सपने देख सकता है कि वो अपनी बिटिया की एक अच्छी शादी करे, या अपने बेटे को अच्छी शिक्षा, या बेटी को अच्छी शिक्षा दे सके।